जय माता दी। सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री बालाजी ऑटो पे। तो दोस्तों, आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सेल्फ स्टार्टर है वैगनार के सीरीज का, जो कि वैगनार नई वाली आती है उसी का है। और ये सेल्फ स्टार्टिंग में दिक्कत ये कर रहा है कि सेल्फ जैसे ही हम लोग मार रहे हैं तो पूरा इंजन को रोक दे रहा है, मतलब पूरा घुमा नहीं रहा है। जैसे कि नॉर्मल फ्री घूमना चाहिए इंजन, वैसे घूम नहीं रहा है। तो हमने सेल्फ स्टार्टर खोला। देखिए दोस्तों, इसको खोलने में भी बड़ा दिक्कत था, क्योंकि इसका सेल्फ निकालने के लिए हम लोग को अल्टरनेटर को भी पूरा ढीला करके साइड में करना पड़ा था, तब जाके ये सेल्फ निकला था। अगर आप लोग सेल्फ खोल रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी के सीरीज का तो अल्टरनेटर इसका जो है थोड़ा सा साइड में करना पड़ेगा। अब दोस्तों, जैसे ही मैंने खोला तो यहाँ पर देखा, ये जो प्लेट देख रहा है, ये ऊपर का जो रोकर प्लेट, ये प्लेट टेढ़ा हो चुका था। ठीक है दोस्तों, अब ये कैसे टेढ़ा हुआ था, देखिए ये दिख रहा है ना, ये साइड में जो दिख रहा है, ये स्प्रिंग शॉर्ट भी हो चुका था, मतलब जैसे टेढ़ा होकर आर्मीचर में घिस रहा था। तो इसी वजह से प्रॉब्लम यही था। देखिए यहाँ पे ये निकल गया है। अब ये रोकर प्लेट में से क्या होता है ना दोस्तों, कि रिबिट लगा रहता है, ये देखिए रोकर प्लेट के अंदर। अब रिपीट ये निकल गया, देखिए ऐसे चपका रहता है, मतलब अंदर पंचिंग टाइप का रहता है, पर हो सकता है कभी हो जाता है, ढीला हो जाता है। तो दोस्तों, हम लोगों को क्या करना है, इसमें हम सेल्फ को पूरा खोल लेंगे। अब देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम तो सिर्फ कार्बन प्लेट में है, रोकर प्लेट में है, तो उसी को उतना पे ही नहीं करना है हम लोगों को। क्या करना है, पूरा खोल के सर्विसिंग भी कर देंगे, ताकि सेल्फ वापस से बढ़िया से एकदम चले कंपनी की तरह। तो दोस्तों, अभी क्या है, हम लोग सारा सेल्फ को पहले खोल लेंगे। जैसे कि ये सोलेनोइड स्विच देख रहे हैं, इसमें दो बोल्ट रहता है, 7 नंबर गोटी की मदद से आपको खोल लेना है। 8 नंबर का बोल्ट रहता है, 7 नंबर का गोटी लगता है। यहाँ पे ये सोलेनोइड स्विच निकाल लेंगे दोस्तों, और जो ये आर्मीचर ओरमीचर है, जो बाकी ये देख रहे हैं आप, ये सारा निकाल कर हम लोग निकाल कर इसको देखिए दोस्तों, इसको पेट्रोल से धुल लेंगे दोस्तों ये सेल्फ स्टार्टर में वैसे ख़राब नहीं होता है, लेकिन इसका जो बैंडेक्स है, पिनियन, ये जो देख रहे हैं आर्मीचर के अंदर लगा रहता है, वही जो ख़राब होता है, मोटर बन जाता है। बाकी ये जो निकल गया है, ये इत्तेफाकन निकल गया, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा निकल ही जाएगा। तो इसको हम लोग दोस्तों प्लेट को क्या करेंगे, पंच करके वापस फेविक्विक लगा देंगे, ताकि ये वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं करता है, क्योंकि ये ख़राब होता ही नहीं है। और उसमें कोई लोड, देखिए ये देखिए दोस्तों, पेट्रोल से धुलने के बाद ये देखिए, मैंने क्या किया, पूरा फेविक्विक लगा कर इसका पंचिंग पहले किया हूँ, और उसके बाद इसका फेविक्विक लगा दिया हूँ, ताकि एकदम सही से हो जाए। अब ये आर्मीचर के ऊपर देखिए, पॉलिश पेपर मार के मैंने खाँचा मार दिया है कम्यूटेटर के अंदर, ताकि उसके अंदर जो डस्ट था वो निकल जाए। अब दोस्तों क्या करना, हम लोग को बैंडेक्स, ये जो देख रहे हैं पिनियन, इसी को मैं बोल रहा था दोस्तों, यही बहुत ख़राब होता है ज़्यादातर। तो इसको हम लोग क्या किए, अभी देखिए यहाँ पे ग्रीस लगा कर, ग्रीस ऑयल लगा के आपको कर लेना है, ताकि बैंडेक्स पूरा फ्री घूमे। जब भी आप सर्विसिंग करें तो ग्रीस ऑयल अच्छे से लगा कर सब जगह पे, मतलब ठीक से करें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 वाशर था और एक और लॉक है, जो कि अभी मैं लगा रहा हूँ, देख लीजिए। इसमें ग्रीस लगा के हम लोगों को फिट करना है, देखिए लॉक लगा दिया हूँ और ये देखिए ग्रीस लगा दिया हूँ। अब इसके अंदर जो इसका हाउसिंग है, इसके अंदर थोड़ा सा बैरिंग के अंदर ग्रीस डाल देंगे, ताकि बैरिंग के अंदर एकदम फ्री रहे। और हम लोग क्या करते हैं, बैरिंग के अंदर पहले ही ऑयल डाल देते हैं दोस्तों, ऑयल डाल के उसको फ्री कर देते हैं, कि आवाज़ ना मारे बाद में। तो ऑयल आप मार लीजिए, तो उससे ऑयल से क्या है, आवाज़ बैरिंग करना बंद कर देता है। और ये फर्क देख लीजिए, फर्क में हल्का सा ग्रीस लगा के बैठा दीजिए, उसका ग्रिप ही है, आप लगाएंगे तो पता ही चल जाएगा, उल्टा लगेगा ही नहीं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे ये वर्क करने लगा। अब दोस्तों, इसका जो फॉर्क के ऊपर देखिए, जो छोटा सा पैकिंग वाला रबड़ दिया रहता है, इसको कभी मत भूलिए, बहुत लोग भूल जाते हैं, और उसके वजह से सेल्फ जब मारते हैं ना दोस्तों, तो बहुत बार सेल्फ मिस कर जाता है, सेल्फ पिनियन बाहर निकल के फ्लाईव्हील में लग के वापस रिटर्न हो जाता है। तो ये कभी भी ध्यान दीजिए कि ये गड़बड़ी ना रहे, इसका रबड़ जो है लगा दे अच्छे से। उसके बाद देखिए दोस्तों, पिस्टन लगा के हम लोगों को यहाँ पे सोलेनोइड स्विच को टाइट कर लेना है। सोलेनोइड स्विच को देखिए, दोनों बोल्ट जैसे है कि उसको टाइट कर लेंगे। अब दोस्तों, ये सेल्फ स्टार्टर जो है, क्या है कि दोस्तों मैं बता दूं आपको, इसमें मैं जैसे बताया कि खाली पिनियन ही ख़राब होता है इसमें, क्योंकि ये गाड़ी का मॉडल है करीब 4-5 साल पहले का, मतलब 17-18 का मॉडल है। और देखिए, इसका कार्बन भी अभी भी नहीं ख़राब हुआ था, क्योंकि ओरिजिनल कार्बन बहुत चलता है दोस्तों। और वैसे भी ये जो वैगनार है, अल्टो है, ये सब गाड़ियों का सेल्फ जल्दी ख़राब नहीं होता है दोस्तों। 5 साल 6 साल 8-7 साल ऐसे आराम से चलता है, ख़राब ही नहीं होता है। ये तो अब टूट जाता है, बैंडेक्स वैंडेक्स ख़राब हो जाता है, तो दिक्कत करता है। अब यहाँ पर सोलेनोइड स्विच फिट करने के बाद दोस्तों क्या है, इसका जो कार्बन है, इसके ऊपर जो हम लोग पेट्रोल से इसको धुले थे, तो इसको साफ करके कपड़े से अच्छे से इसके कार्बन के ऊपर देखिए, जहाँ पे कम्यूटेटर लगता है वहाँ पे पॉलिश पेपर मार दीजिए। देखिए
जैसे मैं मार रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, कार्बन वापस अच्छे से पकड़ेगा। क्या है, इससे क्या हो जाएगा ना, सेल्फ जब मारेंगे तो फटाक फटाक सेल्फ लगेगा, ऐसा नहीं कि मतलब लोड लेके लगेगा। जैसे बहुत बार ऐसा होता है रुक के सेल्फ लेता है गाड़ी, बट वैसे नहीं लगेगा, एकदम प्रॉपर फ्री होकर सेल्फ लगेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका जो बॉडी है, ये देखिए कॉयल वाला बॉडी, इसको इसके ग्रिप में बिठा देंगे। देखिए जैसे कि जैसे बिठाएंगे उसके जगह पर रखेंगे ऑटोमेटिक ये बिट जाएगा। और ये 12 नंबर का जो कॉन्टेक्ट वायर है इसको लगाकर, 12 नंबर का ये जो नट है उसको हम लोग लगा कर टाइट कर देंगे दोस्तों। इसके बाद हम लोग को रोकर प्लेट लगाना रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए रोकर प्लेट को दोनों कार्बन माइनस वाला जो कि अर्थिंग लगा रहता है वो तो लगा ही रहता है, तो उसको दोनों पकड़ के आपको खींच कर कम्यूटेटर के ऊपर बिठा देना। और ये जो कार्बन है मेन वाला जो कि बॉडी के अंदर लगा रहता है, दो मेन दो माइनस होता है, इसमें चार कार्बन वाला सेल्फ है ये। बहुत गाड़ियों में तीन भी आता है और बहुत गाड़ियों में चार आता है, और स्कॉर्पियो अमोक लेटेस्ट वाली में तो छः कार्बन आता है दोस्तों। तो ये सब गाड़ियों का जो कार्बन उर्बन है, जैसे स्कॉर्पियो अमोक में क्या है कि क्लच वाला स्टार्टिंग है, क्लच से स्टार्ट कर देते हैं गाड़ी को, छः कार्बन उसमें हैवी थोड़ा सा इंजन है और सेल्फ दिया रहता है छोटा सा, इसीलिए उसमें छः कार्बन वाला दिया रहता है। ये रोकर प्लेट देखिए दोस्तों, इस तरीके से फिट करके हम लोग ये आर्मीचर के ऊपर ग्रीस लगा देंगे हल्का सा, आर्मीचर का जहाँ पे बूस लगा रहता है इसका टॉप कवर के ऊपर। और आपको क्या करना है, देखिए साइड से ग्रीस साफ कर देना ताकि ये कम्यूटेटर या कार्बन के ऊपर ग्रीस ना जाने, तो सेल्फ वापस दिक्कत करेगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ये कवर दिख रहा है इसको हम लोगों को लगाकर बोल्ट टाइट कर लेना है, बस इतना ही करना है दोस्तों। टाइट करने के बाद दोस्तों हम लोग को क्या करेंगे, सेल्फ स्टार्टर चेक कर लेंगे इसको। जैसे ही इसका चारों बोल्ट आप लोग अच्छे से फिटिंग कर लें, सारा बोल्ट इसका चेक कर लें, और दोस्तों इसके बाद हम लोग सेल्फ चेक कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लीजिए, और आप हमारे चैनल पर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद। मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए टॉपिक पर।